आपको लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इसका सही मायना भी पता है कि अग्निपथ स्कीम है क्या? जब वो 4 साल के बाद अगर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं उस 25% में, तो 4 साल के बाद वो क्या करें? उनका सपना था इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी से उनको निकाल दिया गया क्योंकि 25% ही भर्ती हो सकते थे। अब उसके बाद वो क्या करें अपनी लाइफ? प्राइवेट जॉब वालों को तो 30 दिन का ही नोटिस मिलता है, सेना में तो 4 साल का नोटिस मिलेगा ना आपको कि 4 साल बाद घर जाना है। मेरे को लगता है ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है जो ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे और सरकार भी इस गैप को कम नहीं कर पा रही है। अभी ट्रेनिंग 4 ही साल की होने वाली है सर, मान लीजिए वो जो बच्चा है या वो जो इंसान है जो वहाँ पर गया वो सिलेक्ट नहीं होता है, तो क्या आपको लगता है वो फिर भी इतना ट्रेन रहेगा? जब उसका सर्व करने का मौका आएगा तब तक तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। हर नागरिक इस डिसिप्लिन, इस डिटर्मिनेशन के साथ रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पे बैठा सैनिक नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। जब से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत करने की बात कही है, तब से हर पक्ष विपक्ष से अपने विचार, अपना विरोध सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। जो लोग हैं उन्होंने खुल के अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तो अभी हम इस योजना की जो सच्चाइयां हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन पे खुलकर चर्चा करने आए हैं। हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अशोक ठाकुर जी, जो इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि वो उस चीज़ में इंडियन आर्मी में रहकर आ चुके हैं, उनको तह तक पता है, उनको सब ज्ञान है कि कैसे ये योजना अच्छा कर सकती है उस चीज़ को या कैसे बिगाड़ सकती है। तो उनसे जानते हैं कि जो आज का यूथ है जो वो प्रदर्शन कर रहा है, क्या वो सही है और अगर सही है तो किस हद तक सही है। नमस्कार। नमस्कार जी सर। तो शुरुआत बेसिक क्वेश्चन से करना चाहेंगे कि अग्निपथ स्कीम, आपको लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इसका सही मायना भी पता है कि अग्निपथ स्कीम है क्या? देखिए, मेरे दो देश की एक अलग सी परंपरा बन गई है कि कोई भी स्कीम आए बिना सोचे समझे आंदोलनों में कूद पड़ो। ठीक है, वो स्कीम 100% आपकी आशाएं आपके अनुरूप नहीं होगी, हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसी स्कीम बनाई नहीं जा सकती कि जो 100% को संतुष्ट कर सके। यहाँ तक कि भगवान भी 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। आपने समुद्र की कहानी पढ़ी होगी कि समुद्र का पानी आगे बढ़ा, अंडे वापस ले गया किसी चिड़िया के, तो उसने कहा समुद्र हत्यारा है। कुछ मछलियाँ छोड़ गया तो पालने वाले ने कहा समुद्र मेरा पालनहार है। तो हमें इसमें संदर्भ समझना होगा कि राष्ट्र के स्तर पर ये कैसी है, मेरी इच्छा, मेरे साथी की इच्छा, क्या राष्ट्र के अर्थ को पूरा कर पाती है। अगर कोई स्कीम राष्ट्र के अर्थ को पूरा कर पाती है तो निश्चित ही मेरी सुरक्षा, मेरी जरूरत और मेरे होने के अभिप्राय को पूरा कर सकती है। तो सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोल रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उन्हीं पॉइंट्स पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि उनका क्या आंसर हो सकता है। पहला पॉइंट जो सब लोग बोल रहे हैं कि 4 साल की अगर हम किसी भी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं और ये उम्र 17 से 21 साल, ऐसी उम्र है जब आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या होगा अगर वो जो यूथ है जिसको हम बाहर वो चला जाएगा इंडियन आर्मी से, अगर वो किसी गलत काम में इंडल्ज हो जाता है, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, उसके पास ताकत होगी, उसके पास माइंड होगा, इंडियन आर्मी से ट्रेन होकर आया है, तो उस चीज़ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 17 से 21 साल का ऐसा पीरियड होता है जब किसी भी बच्चे की दशा और दिशा तय होती है। होना तो ये स्कूलों में चाहिए था कि स्कूलों में ही ये कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाता जिससे एक बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन आता। देखिए, जब आप एडवेंचर करते हैं तो आपको ज़िंदगी का अर्थ समझ आ जाता है। जब तक आपकी ज़िंदगी खतरे में नहीं आती आपको ज़िंदगी का महत्व समझ नहीं आता। तो ये 17 से 21 साल मतलब आप 12वीं करके निकले होते हैं और उसके बाद सेना आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में ले आती है। सेना को आप इस तरह क्यों काउंट करते हैं कि सेना में आप चले गए तो अगले दिन लड़ाई के मैदान में पहुँचेंगे? यकीन मानिए, अभी ये फिजिकल वार, जो ये आमने सामने की वार है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये वार का स्टाइल चेंज होगा, ये इंसर्जेंसी के रूप में होगा, छोटे छोटे आतंकवादी अटैक होंगे, देश में फूट होगी, ये सब चीज़ें होंगी। अब वार का मैदान कोई ग्राउंड नहीं होगा, अब हर आदमी के अंदर वो वार बनेगी। उसी को शांत करने के लिए,
उसी को समझ बनाने के लिए, उसी के लिए युवाओं को एक डिसिप्लिन करने के लिए और उनकी ज़िंदगी में उनको बढ़ा करके एम देने के लिए उस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। तो सर और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोगों का कहना है कि जब कोविड टाइम था तो बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल मन से चाहते थे कि वो इंडियन आर्मी में आए, लेकिन फिर रिक्रूटमेंट्स निकली नहीं, भर्ती निकली नहीं। अब जब ये भर्तियों का ऐसे ऐलान हो गया है कि उम्र तय कर दी गई है और वो उम्र सीमा से पार हो चुके हैं, तो उन लोगों का अब क्या होगा? देखिए, मेरे को हैरानी होती है क्योंकि ये उम्र पर किसी का वश नहीं है। मैं सोचूं कि अगर मैं सन 40 में अफसर बन गया होता तो ये तो अजीब सी बात थी, या मैं आने वाले 100 साल में अफसर बन जाता। एक हर उम्र का एक जज्बा है, किसी भी भारत देश के अंदर एक उम्र तय करी गई क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम आप कठिन परीक्षाओं से गुजर सकते हैं। अब किसी की उम्र निकल गई है और वो टेस्ट, वो उतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकता, तो इसको व्यक्तिगत दुर्भाग्य को देश का दुर्भाग्य ना बनाएं। ये आपका व्यक्तिगत दुर्भाग्य है, हो आप बहुत अच्छे साबित होते, कोरोना कोई देश ने नहीं बुलाया, कुछ कॉन्स्पिरेसियाँ रही हैं, कुछ वायरस रहे हैं, उसमें आप ये कहें कि वो 2 साल का गैप दें, तो आप 21 साल के बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो 26 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा। मैं एक फौजी हूँ, आज मैं 60 साल का हूँ, मैं विचार से, ज्ञान से, डिटर्मिनेशन से आज भी वैसा हूँ जैसा 20 साल का था, मगर क्या मैं 21 साल के लड़के की तरह ट्रेनिंग टफ कर सकूँगा? मेरा शरीर उस लायक है? नहीं है। तो एक उम्र की अगर निकल गई है तो मेरा यही कहना है कि व्यक्तिगत दुर्भाग्य की जगह उसको देश का दुर्भाग्य ना बनाएं। और आपके लिए और भी एरिए खुले हुए हैं, सेना में 23 साल अगर आपकी उम्र हो गई है तो कोई फर्क नहीं है, आप NDA का एग्जाम दीजिए, अफसरों का, CDS का एग्जाम दीजिए, और सारे एग्जाम पड़े हैं, नेशनल लेवल के सर्विसेज के पड़े हैं, उनको दीजिए ना। और अच्छा है आपके अंदर देश की सेवा का जज्बा है, तब आप देश की सेवा अफसर बन करके सिविल सर्विसेज में करके पूरा करिए ना। तो सर एक और सवाल है सबका, जो बहुत, ये तो बहुत ही कॉमन है कि जब वो 4 साल के बाद अगर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं उस 25% में, तो 4 साल के बाद वो क्या करें? उनका सपना था इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी से उनको निकाल दिया गया क्योंकि 25% ही भर्ती हो सकती थी, अब उसके बाद वो क्या करें अपने लाइफ में? अक्सर मजाक उठता है कि प्राइवेट जॉब वालों को तो 30 दिन का ही नोटिस मिलता है, सेना में तो 4 साल का नोटिस मिलेगा ना आपको कि 4 साल बाद घर जाना है। उस प्राइवेट कर्मचारी से पूछ के देखिए, 30 दिन का ऑफिशियली है, कई बार क्या होता है 3 दिन के अंदर इसको घर भेज दिया जाता है, मगर उसको अपनी काबिलियत पर यकीन होता है, वो फिर जॉब पा लेता है, उसे बढ़िया पा लेता है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि कोई पक्षी किसी डाल पे बैठता है, उसको उस डाल पे यकीन हो या ना हो, अपने पंख पे यकीन होता है, क्योंकि सेना ने आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन भर दिया है, आपको कैश भी दे दिया है और आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं, और बल्कि और बहुत सारी बेल्ट सर्विसेज में आपको 10% 15% कर दिया है। मैं तो कहता हूँ सर्विस उसके बाद करी क्यों जाए, मालिक क्यों ना बना जाए। मैं जब सेना में गया तो मैं बहुत एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ नहीं था और बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में भी नहीं था, और मालिक बनना तो शायद किसी अगले जन्म का सपना होना था, मगर जब उस डिटर्मिनेशन के बाहर आया, मैं सेना को धन्यवाद नहीं, अपना रोम रोम का भी, क्योंकि जो मेरे ऊपर कर्ज है सेना का उसको भी चुका नहीं सकता, और मैं उसी सेना की ट्रेनिंग, उसी डिटर्मिनेशन के तैयारियों के साथ आज मैं मालिक हूँ। और एजुकेशन के अंदर मैंने एक नए मापदंड और मानक स्थापित किए हैं, विश्व में मैं जिस तरह से एक सम्मानित हुआ हूँ, ये सेना की देन है। और अगर कोई आदमी 20 साल 25 साल अगर सेना में रह के आता है तो यकीन मानिए समाज को रिटायर फौजी मिलेगा, लीडर नहीं मिलेगा। हमें व्यक्तिगत तौर पे देखना पड़ेगा कि हम लीडर होना चाहते हैं या एक रिटायर फौजी की तरह समाज में स्थापित होना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ जानकर, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ये चीज़ें जान नहीं पा रहे हैं, जो सिर्फ लोगों को सुन रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और फिर अपना कदम उठा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है? जी, उन्होंने स्कीम लागू कर दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने नागरिकों के सामने आएँ और इस चीज़ को हर पॉइंट पर एक्सप्लेन करें। मेरे को लगता है ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है जो ऑडियंस तक पहुँच नहीं पा रहे और सरकार भी इस गैप को कम नहीं कर पा रही है अभी तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी स्कीम को लाने से पहले उसको किसी लेवल पे टेस्ट तो करना ही चाहिए था, सरकार को, जनता को बताना ही चाहिए था।
सरकार ने कोशिश करी होगी या नहीं करी है, सरकारी पक्ष है, मगर मेरा इतना जरूर कहना है कि सरकार को इस बात को हर हालात में, हर डेमोग्राफी पर, हर स्तर पर जाकर के इसको डिस्कस करना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, हम 4 साल का पीरियड क्यों दे रहे हैं, 10 साल का क्यों नहीं दे रहे, सरकार के आगे सरकार की मजबूरियां नहीं होंगी, मगर इसका प्रचार प्रसार, इसके बारे में फ़ायदे नुकसान सभी चीज़ों को जनता को जानने का हक है और जनता के साथ डिस्कस करना भी चाहिए, ये कोई ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है सर कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है और ये बोला भी जाता है कि मतलब ये बहुत सारी रिसर्च में सामने आया कि 3 साल लग जाते हैं एक इंसान को ट्रेन होने में, किसी भी चीज़ में अडेप्ट करने में, कुछ भी करने में, तो और ये ट्रेनिंग 4 ही साल की होने वाली है सर। मान लीजिए वो जो बच्चा है या वो जो इंसान है जो वहाँ पर गया वो सिलेक्ट नहीं होता है, तो क्या आपको लगता है वो फिर भी इतना ट्रेन रहेगा? जब उसका सर्व करने का मौका आएगा तब तक तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ पर क्या? देखिए ये नुकसान देश का है, क्योंकि जब उससे 4 साल तो ट्रेनिंग में ही 1.5-2 साल निकल जाते हैं, उसके बाद उसकी हम हैबिट्स को फॉर्म करते हैं। 4 साल में सेना को ये बेनिफिट नहीं चाहिए था, ये बेनिफिट देश के लिए था कि सेना ट्रेनिंग पे भी लाखों रुपए खर्च करेगी, उसके बाद उस बच्चे को भी देगी और जब उससे फ़ायदा लेने का वक्त आएगा तो उसको घर भेज देना होगा। असल में सरकार की मंशा इस प्रकार से बनी कि ये लोग देश के नागरिक बने, हर नागरिक इस डिसिप्लिन, इस डिटर्मिनेशन के साथ रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पे बैठा सैनिक नहीं कर सकता, देश के अंदर रहने वाले लोगों की अंदर की भावना से, क्योंकि कोई देश जब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक उस सुरक्षा की भावना के साथ नहीं जिएगा, और ये तभी संभव है जब अग्निवीर जैसे, इस अग्निवीर जैसे बच्चे जब सिविल में आए और जब वो 21 साल की उम्र में आएंगे तो नेशनल लेवल का एग्जाम, बिजनेस के अपने प्रपोजल, इन सब के साथ होंगे, तो 10-20 साल के बाद हर आदमी एक डिसिप्लिन होगा, क्योंकि हमने लड़ने मरने के लिए सेना में भर्ती नहीं किया, हमने डिसिप्लिन के लिए भर्ती किया। लॉस देश को है, उस युवक को नहीं है, कि उस युवक के जीवन में डिसिप्लिन डाल दिया गया है, वो युवक अब बाहर आकर के 4 साल बाद फिर सेना ना करे, सेना में जॉब ना करे। और मुझसे अक्सर पूछा जाता था, मैं बहुत जॉब मिलते थे मुझे, लोग कहते थे कि आप इस जॉब को कर लो, तो मैं कहता था कि अगर जॉब ही करना था तो सेना क्या बुरी थी, अगर आप सेना में बेस्ट होंगे तो 25% चले जाएंगे, और अगर सेना में अगर बहुत बेस्ट नहीं है तो सिविल पड़ा है भैया आपके लिए, इंतज़ार कर रहा है, आएँ और सच बताऊँ मालिक बने, लीडर बने, समाज में उदाहरण स्थापित करें, ये रास्ता खोला गया है। तो अगर हम हाल ही अपने देश की बात करते हैं, हाल फिलहाल के जो इंसिडेंट्स हैं, जो भी सरकार मुद्दे लेकर आ रही है, जो भी वो स्कीम ला रही है, उस पर ही विरोध प्रदर्शन हो जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी स्कीम हमें दिखाई नहीं दी है जिस पर जनता ने शांतिपूर्ण उसको अपना लिया हो, तो आपको इस विषय पर क्या लगता है? देखिए जिस तरह के हमने पहले ही आपस में बातचीत करी कि वर्तमान सरकार को हर स्कीम के बारे में अपने अलग अलग जगहों पर उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, और ये जनता की तरफ से मांग अगर आती तो शायद इसका विरोध नहीं होता, स्वागत होता। परंतु हुआ क्या कि सरकार के कुछ लोगों ने तय किया, उन्होंने बहुत अच्छा तय किया होगा, बहुत अच्छा भी सोचा होगा, परंतु जब तक ले जनता को इस बारे में नहीं बताया जाएगा तो उसके नेगेटिव पक्ष निकल के चले आते हैं, क्योंकि जनता सामाजिक संदेशों पर काम करती है, उसको कोई सामाजिक संदेश चलता है, अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उस पर जनता काम करती है। तो सरकार को जो चाहे वो किसान बिल हुआ, चाहे वो अग्निपथ हुआ, या और भी जितने हैं, चाहे वो CAA वाली बात चली या NRC, जो भी हैं, सरकार को अपना पक्ष जनता के आगे रखना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है अच्छी स्कीम भी फेल हो जाती हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या आपके अनुभव के हिसाब से इसमें कोई सुधार हो सकता था स्कीम में, या कोई ऐसे चेंजेस हैं जो शायद गवर्नमेंट करती तो इतना उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होता जनता के साथ कम्युनिकेशन? देखिए सुधार तो हमेशा ही रहता है, सुधार का रूम बहुत बड़ा होता है, और समय समयानुकूल और युगानुकूल सुधार तो होने ही चाहिए। कोई भी स्कीम किसी समय लगाई गई और फ्यूचर में भी वही लगाई जाएगी तो कुछ ऐसा ही है कि वो स्कीम ही कहीं फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, क्योंकि समय पहले करे हुए जो हमने प्रबंध थे आज वो प्रबंध ही हमारे सामने समस्या बन गए हैं, तो इसको समयानुकूल और युगानुकूल तो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब
आप कहना चाह रहे कि टाइम टू टाइम इसमें अपडेट करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कल जिस तरह था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये आपको बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे हमने सारे पे बात कर ली है, जो भी लोग सोच रहे थे। अब अंतिम क्वेश्चन मैं यही लेना चाहूँगी कि क्या आपको इसके फायदे दिखते हैं, क्या आपको इसकी इतनी मेरिट्स दिखती हैं कि आप चाहते हैं कि अभी ही ये लागू हो जाए इसकी? देखिए, अब किसी भी देश को बचाने के लिए सिर्फ सेनाएं नहीं, देश के नागरिक भी करने पड़ेंगे। क्यों कोई आदमी कुछ पैसे लेकर के आपके लिए जान देगा? सवाल खड़ा होता है कि आप कुछ पैसे देंगे, कुछ मेडल दे देंगे और वो अपनी ज़िंदगी दे देगा। आप जब इस कहावत को देखते हैं कि 10-15% ही लोग बुरे होते हैं, परंतु जब इस बात की सच्चाई से सामना कराते हैं तो मैं बताऊं, सिर्फ प्रार्थना से ज़्यादा शर्म से झुकता है, क्योंकि वो 85% लोग ही वो कारण होते हैं जिस कारण 10-15% लोग पैदा होते हैं। अगर वो आवाज़ उठाएँ तो 10-15% बहुत कम होता है। ये अग्निवीर स्कीम के द्वारा उस 85% में वो इच्छा भरने का कार्य है कि 10% हम क्यों बर्दाश्त करें, क्योंकि वो 10% या 15% लोग बुरे नहीं हैं, बुरे 85% हैं जो बोलते नहीं हैं। समाज में बुरे लोगों से डर नहीं है, अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं उससे बहुत डर है। ये अग्निवीर स्कीम उन 85% के अंदर एक आग भरने के लिए है, उन 85% को जिंदा करने के लिए है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि महाभारत का एपिसोड में, महाभारत की एक कथा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरेगा, तुम डरना नहीं। शायद भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग नहीं देखा, आत्माएं मर चुकी हैं, शरीर घूम रहे हैं। तो वो 85% वो लोग वो आत्मा मार करके कैसे 15% को आप बर्दाश्त कर लेते हैं? हमें उस 85% को जगाना होगा। हमें किसी आदमी की कमजोरी, किसी चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या समाज का लीडर हो, कुछ और स्थापित आदमी हो, वो कहीं समाज के लिए नुकसानदायक या खतरा तो नहीं है, इस बात को समझना होगा कि ऐसा ना हो कुछ के रिश्तेदार, कुछ के परिवार। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि महाभारत में धृतराष्ट्र के अंधेपन का साथ देने के लिए जिस गंधारी ने अपनी आँख बंद करी, उस गंधारी के दुर्योधन दुशासन को अब समाज नहीं सहेगा। बहुत देर हो गई सहते सहते, अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आवाज़ कर्म से होगी, इसीलिए अग्निवीर स्कीम जैसी जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल के साथ बनने के लिए, और हमारी ऑडियंस को वो सारी चीज़ें, वो सारे पॉइंट्स जो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या जो भारत की जनता है वो गौर नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर, राष्ट्र के बारे के हित के बारे में ना सोचते हुए चीज़ें कर रही है, उनको बताने के लिए। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब तक ले राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ले स्टेट सुरक्षित नहीं होगा। जब तक स्टेट सुरक्षित नहीं होगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा गांव सुरक्षित नहीं होगा। जब तक ले गांव सुरक्षित नहीं होगा, मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा स्वार्थ राष्ट्र से मैच ना कर रहा हो, परंतु राष्ट्र बचेगा तब मैं बचूंगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही चीज़ें, नेशन लाइव, ऐसे ही मुद्दे जो आपके हित के लिए हैं, जो राष्ट्र के हित के लिए है, आप तक पहुँचाता रहेगा। देखते रहिए नेशन लाइव। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रवीना।